आती है। मेरी मुख्तसर तरीन जो आपसे बात करनी है, तफसीली बात फवाद ने करनी है और वही सवालों का जवाब भी देंगे कि अगर कोई ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है और हमें तन्हा नहीं किया जा सकता। और न्यूजीलैंड वाले दिन ही मैंने ये कह दिया था कि ये लंदन की टीम भी नहीं आएगी और अब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी। और बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में ख़त्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई है। आप इंडिया चैनल देखें कि वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा, कोई प्रोग्राम चैनल इस तरह है कि जो पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि शायद हमारा इमेज खराब हो जाएगा। क्रिकेट हमारा शौक जरूर है लेकिन मायूसी कुफर है। एक वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी और इस टीम का, इस मुल्क का वजीर आजम खुद एक वो टीम का कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता। और अब क्योंकि इसको बहुत हवा दे दी गई है, हालांकि मैं तो फवाद चौधरी साहब से आज सुबह अर्ज कर रहा था कि अब इस खेल को ख़त्म होना चाहिए, और भी हमारे बड़े मसले हैं, लेकिन उनके हुक्म की तामील पे मैं हाजिर हूँ और सारी कौम को एक पैगाम देना चाहता था। हम एक जिंदा कौम है, हमें तनहा नहीं किया जा सकता, हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के हैं और हम इमरान खान की क्यादत में इसको आगे लेके जाएंगे। अगर एंड में कोई इंटीरियर पे सवाल हुआ तो मैं हाजिर हूँ, वरना ओवर टू फवाद चौधरी। थैंक यू वेरी मच जी। शेख साहब, ये जो सारी एक जंग है, ज़ाहिर है इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको लीड कर रही है, और एक ये जब हम बात करते हैं हाइब्रिड वॉर की या ये फिफ्थ जनरेशन मीडिया वॉरफेयर की, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये देखिए ये कोई ज़रूरत नहीं है, फेक न्यूज़ के ऊपर क्या ज़रूरत है और बाकी चीज़ों के ऊपर क्या ज़रूरत है। तो ये जो अभी मैं आपके सामने कुछ हकायक रखूँगा, ये दोबारा आपको एक सिर्फ रिमाइंडर होगा, दोबारा याद दहानी होगी कि कैसे पाकिस्तान के अंदर एक फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉर और मीडिया वॉर का हमें सामना है और कैसे फेक न्यूज़ जनरेट की जाती हैं बाकायदा एक बहुत बड़े स्टेट लेवल के ऊपर। ये नहीं है कि कोई ये बच्चे बैठे हुए हैं जो खुद ही जो है वो सारे मामला कर रहे हैं, बहुत ताकतवर एजेंसीज जो हैं वो इसके पीछे हैं, रियासतें जो हैं वो खेल खेलती हैं, और उसके बाद कैसे इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। इससे पहले आपको याद होगा हमने एक पूरा मंजरनामा आपके सामने रखा था कि किस तरह जब तरीके लब्बैक की तहरीक चल रही थी तो किस तरह उसको हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली और बहुत ट्वीट्स की गई, सोशल मीडिया एक वॉरफेयर कायम किया गया। और जाहिर है कि वो जो तरीके लब्बैक में यहाँ पे जो लोग शामिल थे उनका तो एक अपना अकीदे की बुनियाद के ऊपर, एहतराम की बुनियाद पे शामिल होंगे, लेकिन हम किस तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, उसकी एक मिसाल वो थी। और आज ये जो कुछ आपके सामने चीज़ें हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ, ये ज़रा डिस्प्ले भी कर दीजिए टीवी के ऊपर भी ताकि लोगों को एक नज़र भी आ जाए। न्यूजीलैंड का दौरा जब कैंसिल हो रहा था तो उस वक्त SCO का समिट जारी था और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी तकरीर होने वाली थी, और उससे तकरीबन 15 मिनट पहले मुझे पाकिस्तान से ये मैसेज गया कि प्राइम ये न्यूजीलैंड की टीम जो है वो दौरा कैंसिल कर रही है। और चूंकि मैं बिल्कुल PM साहब के पीछे बैठा था तो मुझे यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मैसेज PM तक दे दें, लेकिन मैंने जो सोचा और हमने आपस में मशवरा किया, मोहित थे, मैं था और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पर्सनल स्टाफ था और शाह महमूद कुरैशी साहब थे, तो हमने आपस में मशवरा किया और हमने कहा कि इस खबर को अभी PM को नहीं देते, उनकी तकरीर हो जाए तो फिर उनको देते हैं ताकि ये उनको डिस्ट्रैक्शन जो है वो ना आए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक डिस्ट्रैक्शन थी पाकिस्तान के लिए और फिर पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि इतना पाकिस्तान का जो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर, और बिल्कुल एक दिन पहले जो है वो इस टूर को इस तरीके से ख़त्म किया गया, और इससे बड़ा एक पाकिस्तान के लोगों में एक गम और गुस्सा पाया जाता है। और अभी तक भी जो सोशल मीडिया के ऊपर अमूमी तौर के ऊपर लोग बहुत नाराज़ हैं इस दौरे की कैंसिलेशन से। ये कैसे हुआ,
इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा खत्म कर देना चाहिए, ये कुछ हकायक जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। 19 अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से। सो आई विल ट्राई टू मिक्स इंग्लिश एंड उर्दू बोथ बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट के इंटरनेशनल मीडिया भी थोड़ा सा उसको जो है वो देख सके। सो अ फेसबुक पोस्ट वॉज सर्कुलेटेड फ्रॉम अ फेब्रिकेटेड अकाउंट मेड इन द नेम ऑफ एहसानुल्लाह एहसान एंड XTTP JUA ऑन सोशल मीडिया आस्किंग न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड एंड गवर्नमेंट नॉट टू सेंड द टीम टू पाकिस्तान एज ISKP हैज प्लान टू टारगेट न्यूजीलैंड टीम। ओके, सो 19 अगस्त 2021 को ये फेसबुक क्रिएट होती है जो कि अभी आपके सामने अगर आपको मैंने दे भी दिया है, ये फेसबुक पोस्ट क्रिएट हुई। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। एहसानुल्लाह एहसान के नाम से ये अकाउंट जो है बनाया गया। द न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट सेंड देयर क्रिकेट टीम टू पाकिस्तान बिकॉज द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान इज नॉट गुड। एज फार एज आई नो अ ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन IS जो दाइश जिसको हम कहते हैं इज लुकिंग फॉर अ बिग टारगेट इन पाकिस्तान। दैट टारगेट कुड बी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सो दैट ही कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मीडिया एंड टू प्रूव इट्स प्रेजेंस इन पाकिस्तान। I know the jihadi organization IS will be angry with me after this post of mine, but I like cricket and I am not in favor of attacking the game. I have said what I had to say. Now it is the turn of the New Zealand cricket team and government to think very seriously. Ehsanullah Ehsan, ex-spokesperson for TTP and JUA. So, pehli post jo create hui, wo 19 August 2021 ko Facebook ke upar ye create hui. बड़ी इंटरेस्टिंग इसके बाद इवेंट है 21 अगस्त 2021 को, सो 21 अगस्त 2021, अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के, ये एक इसका हिंदुस्तान का एक अखबार है संडे गार्डियन, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम मे फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। ये उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसानुल्लाह एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया। अब ये जो अभिनंदन मिश्रा है जो संडे गार्डियन के ब्यूरो इंडिया के जो ब्यूरो चीफ हैं, इंटरेस्टिंगली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्ला साले से, जो कि अफगानिस्तान के फॉर्मर NSA और अमरुल्ला साले के पाकिस्तान के बारे में ख्यालात जो हैं वो आप सब जो है आपको उनका पता है। सो पोस्ट आती है 19 अगस्त को, 21 अगस्त को उसके ऊपर हिंदुस्तान में ये आर्टिकल पोस्ट किया जाता है कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो अंडर थ्रेट है। 24 अगस्त आ जाता है, 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गप्टिल जो न्यूजीलैंड के आपको पता ही है उनकी जो बेगम है उनको एक ईमेल मिलती है। ईमेल आईडी है tareeqelabbaq@protomail.com, tareeqelabbaq@protomail.com की एक आईडी से जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। Martin Guptil's wife receives a threat email from tareeqelabbaq@protomail.com threatening to kill Martin Guptil while on tour. Exploitation, इसके ऊपर जब तहकीक हमने की investigation की तो हमें जो है उसके ऊपर कुछ facts मिले। सबसे पहली बात तो यह है कि ये email जो है ये किसी social media network से affiliated नहीं थी, किसी SMN से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। ईमेल अकाउंट वॉज जनरेटेड एट 1:05 AM 24 अगस्त 2021 को। दोबारा जरा मैं बता दूं आपको, यह ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया और 11:59 पे सुबह इस ईमेल से यह ईमेल जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बीवी को
ये ईमेल जो है वो की गई। इंटरेस्टिंगली इस ईमेल अकाउंट से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल जनरेट हुई है और वो ईमेल है जिससे मार्टिन गुप्टिल की जो बेगम है उनको बताया कहा गया कि हम उनको पाकिस्तान में जो है वो कत्ल कर देंगे। अब एक और यहां पे मैं आपको बताऊं, ये जो मेल है ये प्रोटॉन मेल से भेजी गई। बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा बहुत मीडिया इससे सोशल मीडिया को और साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं उनको पता है कि जो प्रोटॉन मेल है वो सिक्योर सर्विस होती है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो इस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं। अब हमने इसको इंटरपोल को रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें हमें असिस्ट करे और वो इसमें हमें जो है बताए कि ये ईमेल जो है वो कैसे जनरेट की। अच्छा, अब ये 24 अगस्त 2021 का वाकया है और इससे पहले मैंने आपको बताया 21 अगस्त 2021 को आर्टिकल आता है, उससे पहले 19 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान की एक फेक जो मेल है वो आती है। इन तमाम वाकयात के बावजूद न्यूजीलैंड टीम अपना टूर कैंसिल नहीं करती, वो पाकिस्तान आ जाते हैं। सो न्यूजीलैंड टीम डिस्पाइट ऑल दीज थ्रेट्स डिड नॉट कैंसिल देयर पाकिस्तान टूर, दे अराइव्ड इन पाकिस्तान और तमाम उनकी जो सिक्योरिटी जिस तरह से हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने शेख रशीद साहब ने उस तरह की कि इतनी फौजें नहीं होती मुल्कों में जिस किस्म की हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और न्यूजीलैंड की फौज नहीं है जितनी कि हमने अपनी फौज जो है उनकी सिक्योरिटी पे लगाई, उनकी सिक्योरिटी पे लगाई और एक बड़ी भरपूर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने और इससे पहले काबीना के अंदर ये डिस्कशन हुई और मैंने बल्कि शेख साहब को कहा कि जितनी आप सिक्योरिटी दे रहे हैं ये तो लोगों को डर लगना शुरू हो जाएगा कि इतनी ज्यादा पूरा शहर हम बांध के रहे हैं। लेकिन शेख साहब ने का मौकफ ये था और जो मैं समझता हूँ एक दुरुस्त मौकफ था, उन्होंने कहा इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमने दिखाना भी है कि हम एक पूरी सिक्योरिटी जो है वो कर रहे हैं और उन्होंने भरपूर सिक्योरिटी जो है वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को दी। अच्छा, सितंबर 11 और 12 को न्यूजीलैंड की टीम जो है न्यूजीलैंड टीम्स अराइव्स इन पाकिस्तान सितंबर 11 एंड 12 और पाकिस्तान में वो आ जाते हैं चार्टर्ड फ्लाइट से, वो आते हैं 2 बजे दोपहर को वो पहुंचते हैं और T20 टीम के जो मेंबर्स हैं वो 12 सितंबर 2021 को पहुंचते हैं। सो मेन टीम जो है वो पहले एक दिन आ जाती है 2 बजे अपने चार्टर पे और जो T20 के हैं वो 12 तारीख को आ जाते हैं। एक डिटेल्ड प्रोग्राम इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो उनका इशू करती है, इसमें उनका पूरा जो है कि वो होटल से कैसे निकलेंगे, होटल की सिक्योरिटी क्या होगी, एक बहुत डिटेल्ड प्रोटोकॉल जो है, दो हेलीकॉप्टर जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लगाए, बहुत डिटेल्ड प्रोटोकॉल इन्होंने इशू किया और उसके बाद जो प्रैक्टिसिंग सेशंस थे उनका स्केड्यूल जो है वो इशू किया गया। 13 तारीख को न्यूजीलैंड की टीम सरीना से निकली और पूरा इस्लामाबाद से निकली सिक्योर में, 4 बजे ये स्टेडियम में पहुंचे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी पहुंची और दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। अच्छा, अब यहां पे दोबारा जस्ट टू पॉइंट दैट आउट कि जो पिछले आपके थ्रेट्स हैं वो 24 अगस्त के, 21 अगस्त के और 19 अगस्त के वो मौजूद हैं, उनको कोई किसी ने सिक्योरिटी जो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी है उन्होंने हमारी सिक्योरिटी ने सारा उसको देख लिया और कहा कि ये फेक हैं और वो सारे आ गए। पहली प्रैक्टिस उन्होंने की 13 तारीख को, उन्होंने 4 बजे से लेके 7 बजे तक जो है 7:30 बजे तक जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की, कोई जो थ्रेट अलर्ट है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, टीमें वहां से वापस आई। अगले दिन फिर टीम जो है वो वापस न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की टीम स्टेडियम गई, फिर 3 घंटे प्रैक्टिस की इसी प्रोटोकॉल में जो कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जैसा बताया हेलीकॉप्टर सारा कुछ करके, कोई वहां पे इशू नहीं हुआ। अगले दिन जो थी वो छुट्टी की और उसके बाद अगले दिन मैच से एक दिन पहले फिर सारा प्रैक्टिस सेशन हुआ और किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई ऐसे मामला जो है वो नहीं था। अच्छा, 17 सितंबर को न्यूजीलैंड की जो टीम है उन्होंने ये कहा कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न आया है, रिपोर्टेड क्रेडिबल थ्रेट, और उन्होंने 17 तारीख को जब मैच को जाना था उससे पहले तकरीबन सुबह
10:30 बजे इस ख्वाहिश का इजहार किया, 10:30-11 बजे कि हम ये टूर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं और अपनी हुकूमत की हदायत के ऊपर जो है वो हम ये टूर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। ये उसके बाद जो हमारी इंटीरियर की सिक्योरिटी टीम है, हमारी जो पीसीबी के सारे जो लोग हैं, इस्लामाबाद की जो सारी इंतज़ामिया है, वो एजेंसीज सब लोग उनके पास गए और उनसे ये दरख्वास्त की कि आप वो थ्रेट हमसे शेयर करें कि थ्रेट आखिर आपको मिला क्या है। तो एक्चुअली जो सिक्योरिटी टीम यहाँ पे न्यूजीलैंड की थी वो भी उतनी ही नाबलद थी थ्रेट से जितने के कोई हमारे लोग थे, क्योंकि थ्रेट यहाँ पे कोई जनरेट ही नहीं हुआ था। सो उन्होंने वो हमसे कुछ शेयर जो है वो नहीं कर सके। और बारह न्यूजीलैंड की टीम उसके बाद जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब की जब तकरीर ख़त्म हुई वहाँ पे, उनको हमने ये बताया और साथ ही रमीज़ राजा साहब की पीसीबी के जो हमारे चेयरमैन हैं और जो बाकी हजरात हैं उनकी ये दरख्वास्त दी कि वो चाहते हैं कि आप न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात करें। वहाँ से ही पीएम साहब ने बाहर निकल के जो है उनसे बात की, रिसेप्शन भी इतनी अच्छी नहीं थी और लेकिन उन्होंने उनसे ये बात कही कि इस वक्त अगर आप टूर कैंसिल करेंगे तो ये बड़ा पाकिस्तान के जो लोग हैं उसके उनका एक बड़ा गुस्से वाली बात होगी और ये इससे एक तलखी पैदा होगी अवामी सतह के ऊपर। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी उन्होंने ये कहा कि उनके पास क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है कि जो ये न्यूजीलैंड की टीम है उसको जो है वो टारगेट किया जाएगा। बहरहाल वो टूर कैंसिल हो गया, टीम जो है वो चलेगी। अब 18 सितंबर 2021 को इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है और वो ईमेल मिली हमजा अफरीदी 7899@gmail.com से 6:25 पे न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक। अब हमने ये जो हमजा अफरीदी की जो पोस्ट है इसको एनालाइज किया, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं। डियर न्यूजीलैंड क्रिकेट यू डिड रॉन्ग टू गो टू पाकिस्तान एंड नाउ सी वट हैपन्स टू यू। योर क्रिकेट टीम इज नॉट गोइंग एनीवेयर नाउ। In every place, the bomb will be placed from hotel to your flight, and my men will not forgive you. They are coming New Zealand, Pakistan, Zindabad, Allah Akbar. ये email जो है ये भेजी गई New Zealand की team को और ये New Zealand के time के मुताबिक 6:25 पर 18 सितंबर 2021 को गई और पाकिस्तान के time के मुताबिक 11:25 पे रात को 17 सितंबर 2021 को दी गई हमजा अफरीदी 7899@gmail.com के नाम से। अच्छा, ये इस ईमेल का भी जरा जायजा अगर आप लेंगे तो ये ईमेल भी जो आईडी क्रिएट हुई, ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी के क्रिएट होने के 15 के बाद ये ईमेल उसी आईडी को यूज करके ये ईमेल जो है वो भेजी गई। ये अब इस ईमेल के ऊपर जब काम किया हमने तो दिस ईमेल वॉज सेंट फ्रॉम एन एसोसिएटेड डिवाइस इन इंडिया यूजिंग वीपीएन शोइंग आईपी एड्रेस लोकेशन ऑफ सिंगापुर। हिंदुस्तान से की गई वीपीएन लगा के और जो वीपीएन की लोकेशन थी उसको चेंज किया गया टू सिंगापुर। द डिवाइस आरएमएक्स 1971 रियलम यूज 13,000 ईमेल आईडीज एक्सेप्ट। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा यह मैं बता दूं, ये जो डिवाइस है जिससे ये ईमेल, सबसे पहले दोबारा जस्ट लोगों को जिनको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से, उसके 15 के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया और ये जो ईमेल आईडी है
ये हिंदुस्तान से वीपीएन के जरिए की गई, जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शो किया गया। इंटरेस्टिंगली जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई, उस डिवाइस के ऊपर 13 और आईडीज हैं, यानी जिस डिवाइस से ये ईमेल जनरेट हुई हमजा अफरीदी की, उसकी 13 और आईडीज हैं, और वो 13 की 13 जो आईडीज हैं वो हिंदी नामों के ऊपर है, जिसमें ज्यादातर जो 12 जो ईमेल्स जो और इस आईडी के साथ एफिलिएटेड हैं वो इंडियन और हिंदी नामों के ऊपर हैं, उनमें फिल्मों के नामों के ऊपर जो है वो ईमेल्स क्रिएट की गई हैं, और तमाम जो ईमेल्स हैं वो एक्चुअली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे ड्रामास और म्यूजिक उनके नामों के ऊपर बनाई गई हैं। सिर्फ एक नाम उनमें डिफरेंट डाला गया है, वो है हमजा आफरीदी का नाम, जस्ट टू शो कि ये ईमेल जो है ये पाकिस्तान से जो है वो जनरेट की गई है, और जानबूझ के हमजा आफरीदी का नाम यूज किया गया ताकि इसको वो एक मिल सके कि ये पाकिस्तान में एक जो है वो टेररिस्ट थ्रेट जो है वो मौजूद है। ये जो मोबाइल डिवाइस है ये अगस्त 2019 में इंडिया में लॉन्च की गई, ये डिवाइस का भी हमने जो है वो इसको वो जो देख लिया है, जो मोबाइल सिम है वो 25 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुई हिंदुस्तान में, और उसका जो सिंगलर जो यूज़र है वो भी आइडेंटिफाइड है। सोशल मीडिया कोरिलेशन एक्सप्लोटेशन रिवील्ड दैट पॉसिबल यूजर ऑफ दिस ईमेल आईडी इज एन इंडियन ओमकर प्रकाश मिश्रा फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। सो अगेन हियर कम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन लिंक, अनफॉर्चुनेटली दैट द डिवाइस दैट वॉज यूज टू सेंड अ थ्रेट टू न्यूजीलैंड टीम एक्चुअली बिलोंग टू इंडिया। द गाइज नेम इज ओम प्रकाश मिश्रा, ही इज फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, एंड अ फेक आई डी ऑफ हमजा आफरीदी वॉज यूज, हमजा आफरीदी 7899@gmail.com वॉज यूज टू सेंड अ थ्रेट टू न्यूजीलैंड टीम, बट एक्चुअली दिस थ्रेट वॉज सेंट फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। Timing and text of the threat email suggests that the threat was not the reason for cancellation of the tour, but was issued after the cancellation to malign Pakistan and substantiate the security concern of New Zealand and other touring countries. Basically, कि ये जो threat issue किया गया था हमजा बका, ये तो tour cancel होने के बाद issue किया गया था ना, और इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान को उसमें शामिल किया जा सके और इसको जो है वो किया जा सके। इसके जो follow up actions हुए हैं, अभी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी है इस सारे मामले के ऊपर, एंड नाउ दे हैव रिक्वेस्टेड इंटरपोल फॉर प्रोविजंस ऑफ डिटेल अबाउट दोनों के, जो एक जो तरीके लबैक है protonmail.com है, और दूसरा जो ईमेल आईडी हमजा आफरीदी का जो है इसका, दोनों को अब इन्होंने अप्रोच कर रहे हैं इसको इंटरपोल को कि वो इसके ऊपर मजीद तहकीकात एफआईए के साथ जो है वो मिलके करें। सो प्राइमरीली ये जो एक पूरी फॉल्स थ्रेट थी जिसके ऊपर हुआ किया गया, और ये सारा थ्रेट जो है ये इंडिया से जो है वो जनरेट हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी ये बता दूं कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान आ रही है, अभी से ही एक थ्रेट वेस्ट इंडीज टीम को इशू कर दिया गया, और वेस्ट इंडीज टीम को जो थ्रेट इशू किया गया है उसकी भी ईमेल आईडी चेक करें, वो है ehsanullahehsan@protonmail.com। ehsanullah ehsan जो है, अब उसके स्पेलिंग जरा आप चेक कर लेंगे तो जो सारे हमारे यहाँ पे बैठे हुए चूंकि सारे पाकिस्तानी हैं, आप आराम से देख लेंगे कि वो जो ehsanullah एहसान का अगला स्पेलिंग है वो है एहसानुल्ला लिखे, उसके बाद लिखा गया है EHSHAN एहसान। आपको अच्छी तरह पता है कि ये किस तरीके से जो सारे इंडियन स्पेलिंग्स हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह से जो है वो चलता है। सो प्राइमरीली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस इज नॉट अ कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान, वी बिलीव दिस इज अ कैंपेन अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट,
and ICC must take notice of that. International bodies must take notice of that. The way things are, it is very apparent that a fake, unfortunate incident and threat was created from India, primarily ke wo yahan pe jo daura hai New Zealand ka usko wo cancel karate. और अभी तक हम ये समझते हैं कि जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है उसको भी हम ये समझते हैं कि उनको चाहिए कि जो स्पेसिफिक थ्रेट है जो उनको मिला वो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि अगर वो टीम चली भी गई है तो थ्रेट तो मौजूद है ना, तो हमारा राइट है कि हम उस थ्रेट को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकें. ये तो नहीं है कि आप की टीम चली गई है और आप थ्रेट यहाँ पे मौजूद है. सो ये सारी कहानी थी जो आपके सामने रखना मकसूद था. जी आई थिंक दैट जी मतीन जी जी मतीन फवाद सर ये बताइए कि अभी आपने कहा कि आईसीसी जो इसका नोटिस ले, एनी कम्युनिकेशन, एनी नोट और एनी सच कम्युनिकेशन हैज बीन शेयर्ड विद आईसीसी. ये तो आपने सारी चीजें करी. और दूसरे पर दफ्तर खाते ने बताया कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है वहां पे, ही लॉन्च अ स्ट्रॉन्ग डिमार्श विद द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ओवर दिस अब्रप्ट कैंसिलेशन ऑफ द विजिट. Any decision to recall as a mark of protest your ambassador from New Zealand back to Pakistan, or dusra ko legal proceedings ke upar bhi aap gaur kar rahe hain? Aur wazir e dakhla sahab ye bataye, British cricket team ne jab ye cancel kar diya to ye jo iske upar unhone koi reason di, koi isi kisam ke similar threats hain ya sirf wo 5555 intelligence alliance ne jo New Zealand ko threat diya वो भी इनको कर दिया. जो ब्रिटिश क्रिकेट टीम के बैकग्राउंड के बारे में भी बताएंगे उसकी जवाब है. मेन जवाब फवाद साहब देंगे. ब्रिटिश एम्बेसडर से अभी सरदा मेरी मुलाकात हुई है. मैं उसे तो कोई थ्रेट थी मसला नहीं था, और मैंने उसको कहा कि एटलीस्ट तुमने बयान दिया कि उसकी तरफ से कोई बात नहीं है. बाकी जवाब अच्छा, इसमें जी तीन चीजें आपने कही हैं. पहले आपने कहा है कि क्या न्यूजीलैंड से आप ताल्लुकात सफीर बुलाएंगे या कुछ नहीं है. देखिए पहली बात तो यह है, हम न्यूजीलैंड की हुकूमत से ये कह रहे हैं कि जो थ्रेट इशू हुआ है वो तो हमसे शेयर करें. और आजकल वज़ीर ख़ारजा साहब ने इसके ऊपर अमेरिका में बात भी की है, और उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा एक सख्त जो है वो प्रोटेस्ट लॉन्च किया है. और अभी हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड की हुकूमत हमारे साथ, हमें उम्मीद है कि न्यूजीलैंड की टीम इन वाकयात के सामने आने के बाद जो आज हमने आपके सामने रखे हैं इसके ऊपर एक मौकफ जो है वो उनका लेगी. और जहां तक बरतानिया का ताल्लुक है वो तो उनके जो सफीर हैं वो वाजे कर चुके हैं कि जो बरतानिया की जो एडवाइजरी है पाकिस्तान के बारे में वो भी तब्दील नहीं हो रही, और उन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में ही रखा हुआ है. सो अगर बरतानिया की हकूमत को, सिक्योरिटी एजेंसीज को पाकिस्तान के अंदर जो तहफ़ है उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तो कोई नहीं होता कि ये एतराज़ करे. ये कहना कि इंग्लिश प्लेयर्स थक गए थे, ये बड़ा थका हुआ बहाना है. और मेरे ख्याल में इससे जो हमारा लीगल केस है, मैंने बिल्कुल अपने जो पीटीवी स्पोर्ट्स है उनको भी हमने कहा है कि आप अवेल्यूएट करें कि हमारा कितना नुकसान है. हम इस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, अगर हमारी लीगल टीम इजाजत देती है, तो यकीन हम उनको सू करेंगे इंग्लैंड में. जो न्यूजीलैंड ने कहा है उन्होंने 5ICC रिपोर्ट की रोशनी में कहा है, और आप समझते हैं कि 5ICC ने जो फैसला किया है इन ईमेल्स की बुनियाद पे किया है, और क्या आप लोगों ने उनसे शेयर की है कि ये 5ICC ने इन ईमेल्स की बुनियाद पर किया, तो कम से कम हमारा ऑस्ट्रेलिया का और बाकी टूर जो है वो बच सकते हैं अगर अब गलतफहमी उन बोर्ड की ठीक हो जाए. सही बात है. और ये जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि आज FIA ने इसके ऊपर एक बाकायदा पर्चा जो है वो दर्ज कर लिया है, और अब इसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उनमें चूंकि इंटरपोल भी इन्वॉल्व है, और ये जो टीमें हैं, रमीज राजा साहब भी कल आ रहे हैं, PCB अपने लेवल के ऊपर बात करेगा, फॉरेन मिनिस्ट्री अपने लेवल के ऊपर बात करेगी, और जाहिर है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो कम्युनिकेशन में है ही, वो अपने तौर पर बात कर रही है. क्या सर जिस बारीक बीड़ी से आपने इसका तजिया किया है, इससे ये साबित होता है कि हम ना सिर्फ स्क्रिप्ट के हवाले से जाग रहे हैं बल्कि हम खुशियों की सांसें भी लेने हम जागे हुए हैं, और आपको बार बार पूछते हैं. सवाल मेरा यह है सर कि एक हमारे सोशल मीडिया पे एक किसी तरह का एक लेटर सर्कुलेट करता है कि ये कोई थ्रेट है,
वो कहाँ से इनिशिएट हुआ था और उस पर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उस पर भी आपने कोई इंक्वायरी की है? नहीं, देखिए दो तरह के लेटर होते हैं। एक लेटर होता है जी, आप मेरा ख्याल गलबन आपका इशारा पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन की तरफ है। देखिए एक चीज़ होती है जो थ्रेट इंफॉर्मेशन और एक चीज़ होती है थ्रेट एडवाइजरी। जो थ्रेट एडवाइजरी है वो जारी की जाती है जब भी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा होता है या सेंसिटिव इवेंट हो रहा होता है जिसकी तरफ जो सूबे की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो फेडरेशन की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने तवज्जो दिलानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वो लेटर देखें जो पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी इसमें दो हो रहे हैं, बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, एक तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, दूसरा चेहलम है अवाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का। तो उन्होंने दोनों इवेंट्स का जिक्र किया, उन्होंने कोई थ्रेट अलर्ट नहीं जारी किया, उन्होंने एक थ्रेट एडवाइजरी जारी की है और ये जारी की जाती है। और आज वैसे शेख साहब ने ये भी कहा कि इस निज़ाम को भी ठीक करने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली उसको अभी तक वो जारी की जाती है जस्ट टू कॉशन द लोकल पुलिस एंड अथॉरिटीज़ के वो इसके बारे में अपने आप को तैयार रखें। शकील अवान साहब जान से ये बताइए कि वज़ीर आज़म खुद एक क्रिकेटर हैं और बड़ा नाम है उनका दुनिया भर में क्रिकेटर, क्या किरदार अदा कर रहे हैं वो इस मामले में एक, और दूसरा जो वेस्ट इंडीज की टीम में धमकी है इस हवाले से आप लोग अभी से क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? ये देखिए ना, ये तो पीसीबी जो है वो उनसे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे उन तमाम क्रिकेटर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस वक्त में पाकिस्तान को, पूरी इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तमाम जो हमारे जो खसूसन वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पूरी दुनिया से जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के आवाम को नेक तमन्नाएँ भेजी हैं, उनके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह ताला देखिए जी ये सारे थ्रेट्स आते रहते हैं, इनको पहले भी हमने नाकाम बनाया है, पहले भी तो इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर ली अफगानिस्तान में, तो अब आज किधर है वो इन्वेस्टमेंट, तो इंशाल्लाह ताला हम आगे भी इसको करेंगे। जी सर, पाकिस्तान के साथ मुतासर हुई है, शेख साहब ने इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान के साथ मुतासर हुई है, पाकिस्तान सीपैक के फेस टू में एंटर हो चुके हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और जितने भी आए अफगानिस्तान के बाद, पाकिस्तान ने उनको भरपूर सिक्योरिटी प्राप्त की है, कोई शक नहीं कि दो राय नहीं, सिर्फ ये क्रिकेट का मामला नहीं, इस हवाले से इसको आप किस नजर में देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान खत्ते के अंदर एक अहम मुल्क बन चुका है, अफगानिस्तान के मामले जैसे आपने की बात की सर, उस वक्त क्यों नहीं आपने फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को कहा वहां पे इसको हाईलाइट कर दी, क्योंकि इंटरनेशनल लीडर वहां पे थे। देखिए पाकिस्तान का एक तारीखी किरदार है, हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है, नेटो फोर्सेस को किया है, आईएमएफ को किया है, अमेरिकन्स को किया है, वर्ल्ड बैंक को किया है, जिस वक्त न्यूजीलैंड की टीम ठहरी हुई थी वहां और भी 11-12 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ठहरी हुई थी। और अगर कोई ये समझता है कि वो, क्योंकि इंडिया को मायूसी हुई है कि पाकिस्तान स्केप बोर्ड नहीं बन सका और हिंदुस्तान का जो ये सोच थी कि वहां खाना जंगी होगी और वहां कत्लो गारत इतना होगा कि यहां महाजरीन का एक तूफान होगा, एक सिंगल महाजरीन भी नहीं आया। और जब मैंने दुनिया को यह बताया कि वो परेशान हो गए कि हमने कोई महाजर कैंप भी नहीं बनाया। सो तोरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर डूइंग एक्सीलेंट, और आपकी इतला के लिए अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वालों की कम है, पाकिस्तान के तुलबा और तालबात उधर जा रहे हैं, वहां के स्टूडेंट आ रहे हैं, सो एवरीथिंग इज पीसफुल। ये सारा टोपी ड्रामा है और इस टोपी ड्रामा के जो दुस्ताने पहने हुए हाथ हैं उनको नाकामी होगी। पाकिस्तान एक अजीम कौम है और पाकिस्तान की अजीम सिक्योरिटी और फौज की एजेंसी है, एक मुंतखब हुकूमत है, हमें कोई तनहा नहीं कर सकता और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। देखें आईसीसी को, मेरे भाई मुख्तसर सवाल, देखें गुजारिश ये है
कि हिंदुस्तान ने बहुत सारे जेलों में से लोगों को वो बेल पे निकालता है, वो उनकी जमानतें करवाता है, फिर उनको ट्रेन करता है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने 86,000 लोगों की पहले जाने दी है, 1,00,000 से ज्यादा आपाश किया है और दहशतगर्दी को नाकाम किया है, अमन हमारा बयानिया और अमन इस मुल्क में कायम हो। थैंक यू सर। थैंक यू। वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और शेख रशीद अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।